अभी तक हमने धान के बीज उपचार एवं नर्सरी बेड तैयारी का वीडियो देखा एवं समझा। अब हम इस श्रृंखला की एक और महत्वपूर्ण वीडियो को देखेंगे एवं समझेंगे, जो कि खेत की तैयारी एवं धान की रोपाई के बारे में है। नर्सरी बेड से बिचड़ा निकालने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना जरूरी है। हाँ, आप सही समझे, हम खेत की तैयारी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें दो जुताई बहुत ही जरूरी है। इतना ही नहीं, जुताई के साथ साथ इसमें केचुआ खाद भी डालना अति आवश्यक है। अब आप सोच रहे होंगे, केचुआ खाद कितना? तो ध्यान दें, एक कट्ठे खेत में 20 से 25 किलो केचुआ खाद को अच्छी तरीके से मिलाना जरूरी है एवं मिट्टी को बराबर कर ले। इससे हमारी मिट्टी उपजाऊ एवं भुरभुरी हो जाएगी। अब हमने खेत की जुताई तो कर ही ली है और केचुआ खाद भी मिला लिया, हमारा खेत अब रोपाई के लिए पूरी तरीके से तैयार है। चलिए अब हम बिचड़े के बारे में बात करते हैं। क्या आपने सोचा है कितने दिनों का बिचड़ा हमें खेत में लगाना चाहिए? जी हाँ, हम बिचड़े की उम्र के बारे में बात कर रहे हैं। जब बिचड़े के दो पत्ते निकल आए, ध्यान दे, दो पत्ते जो कि 8 से 10 दिनों में आ जाते हैं, तब आप समझ जाएं कि ये सही समय है बिछड़े को खेत में लगाने का। अब आप सोचेंगे, इतने कम उम्र के बिछड़े कैसे लगेंगे? तो आपको ये बात जानना बहुत जरूरी है कि कम दिनों के बिछड़े आसानी से लग जाते हैं एवं कलियां भी ज्यादा निकलती है, तो उपज को बढ़ना ही है। और हाँ, एक बात तो बोलना हम भूल ही गए, बिछड़े को लाइन से लगाएं एवं बिछड़े से बिछड़े की दूरी 10 इंच रखें। इससे पौधों और जड़ों को बराबर फैलने का जगह मिलेगा, तो पैदावार भी अच्छी होगी। और हाँ, इससे आपको खरपतवार निकालने में भी आसानी होगी। तो याद रहा ना आप लोगों को जो हमने बताया? कुछ भूल गए तो कोई बात नहीं, अब हम इस बात को फिर से पढ़ लेते हैं। पहली बात, खेत की जुताई कम से कम 2 बार होनी जरूरी है। एक कट्ठा खेत में 20 से 25 केजी केचुआ खाद मिलाना जरूरी है। नर्सरी बेड से उखाड़े गए बिछड़े दो पत्ते वाले ही होने चाहिए, जो कि 8 से 12 दिनों के हों। बिछड़े से बिछड़े की दूरी 10 इंच जरूरी है।